अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, तो और आप आज सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या काम लेकर आती हूँ आपके लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज क्या काम लेकर आई हूँ आपके लिए। आप लोगों को याद है हमने एक ही दोस्ती करवाई थी, कहानी सुनाई थी, दोस्ती करवाई थी एक ही, हमने कुछ हर्फों से उनको दोस्त बना के दो हर्फी लफ्ज़ बनाए थे, याद है आपको? इसी तरीके से हमें आज भी एक ही दोस्ती कुछ हर्फों से करवानी है। अपनी किताब को खोलें जल्दी से, उर्दू की पीरियड 2 की किताब का सफ़ा नंबर 134 खोलेंगे सब, यानी के 134। तस्वीर हिदायतों को पढ़ लेते हैं, पढ़िए, मिलाइए, पेंसिल फेरिए। यहाँ पे हमें आज की तारीख भी डालनी है। अच्छा, तो यहाँ पर भी कुछ हर्फों ने ए से दोस्ती करनी है, वो दोस्ती करने आए हैं ए से, अब हमें उसकी दोस्ती करवानी है। पहले यहाँ पर हमारे पास आए हैं दोस्ती करने के लिए, ए से कहा कि चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? से। आगे देख लेते हैं कौन आया दोस्ती करने, ये तो श आ गया। श ने जब ए से दोस्ती की तो बन गया शे। ने सोचा मैं भी ऐसे दोस्ती कर लेता हूँ, सब कर रहे हैं तो मैं भी इसको अपना दोस्त बना लूँ। तो जब ने ए से दोस्ती की तो बन गया से। फिर आया यहाँ पर ज, ज ने जब ए को दोस्त बनाया तो बन गया जे। तो ए ते। अच्छा, अब देख लेते हैं और कौन आया है दोस्ती करने के लिए, ये तो ज आ गया। ज ने जब ए से हाथ मिलाया तो बन गया जे। फिर आ गया यहाँ पर अ। अ ने जब ए को दोस्त बनाया तो बन गया ए। यहाँ पर फिर आ गया ग। ग और ए जब दोस्त बन गए तो बन गया गे। ए फे। यहाँ पर आ गया फिर प। प ने जब ए से हाथ मिलाया तो बन गया पे। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया दोस्ती करने के लिए क। क जब ए से मिला तो बन गया के। ग भी दोस्ती करना चाह रहा है तो इसकी भी दोस्ती करा देते हैं। ग ने जब ए से दोस्ती की तो बन गया गे। ल ए ले। फिर आ गया यहाँ पे उम। उम भी ए से दोस्ती करना चाह रहा था तो हमने इसकी भी दोस्ती करा दी, तो ये बन गया मे। फिर यहाँ पर आया न। न ने जब ए से हाथ मिलाया और दोस्त बने तो बन गया ने। आखिरी है को जब ए से मिलाया तो बन गया हे। अच्छा, ये तो हमने सबकी दोस्ती करवा दी, मज़ा आया ना दोस्ती करवाने में। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे जो हमें नुक्तों से लिख कर दिए हुए हैं उनमें हमें बहुत सफाई से पेंसिल फेरनी है
और फिर यहाँ पे अगर हमारा और ज़्यादा दिल करे लिखने के लिए तो हम अपनी किताब अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं ताकि हमें नुक्तों के बगैर भी लिखना आ जाए। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह कल मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।